आत्माराम दसरी माजी सभापति कृषि व पशु संवर्धन समिति जिला परिषद गोंदिया की ओर से जिला तथा सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। महिलाओं का रेप व हत्या करने वाले सीरियल किलर साइनाइड मोहन को मिली मौत की सजा। 2005 में बेंगलुरु के केपेगोंडा बस स्टेशन पर एक महिला की हत्या के मामले में कर्नाटक के एक कोर्ट ने साइनाइड मोहन के नाम से कुख्यात सीरियल किलर को मौत की सजा सुनाई है। मोहन को करीब 10 साल पहले गिरफ्तार किया गया था और हत्या के 17 मामलों में उसका दोष साबित हो चुका है। थाने में बहस के बाद यूपी में हेड कांस्टेबल ने की बेटे की गोली मारकर हत्या। गोरखपुर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया है कि चौरी चौरा थाने में बुधवार रात पारिवारिक विवाद पर बहस के बाद हेड कांस्टेबल अरविंद यादव ने निजी लाइसेंसी राइफल से बेटे विकास की गोली मारकर हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक विकास पुलिस कर्मी की पहली पत्नी का बेटा है और माँ बेटे गाजीपुर में रह रहे थे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी बलात्कारियों की गंगोत्री बन गई है। कांडा के बीजेपी को समर्थन देने पर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने हरियाणा के निर्वाचित विधायक गोपाल कांडा द्वारा बीजेपी को समर्थन देने पर कहा है कि बीजेपी बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों की गंगोत्री है, जहां जाकर हर कदाचारी पवित्र हो जाता है। कांडा एयर होस्टेस गीतिका शर्मा को आत्महत्या को उकसाने के आरोपी है। उन पर रेप की धारा भी लगी थी, लेकिन 2014 में हटा ली गयी। गोपाल कांडा के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने भी प्रदर्शन किया था। असम के सीएम के लिए धमकी भरा पोस्ट लिखने पर न्यूज चैनल का कर्मचारी गिरफ्तार। असम पुलिस ने एक स्थानीय न्यूज चैनल के कर्मचारी मनूरुद्दीन रहमान को गिरफ्तार किया है, जिसे कथित तौर पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनेवाला को मारने की धमकी वाला फेसबुक पोस्ट लिखा था। बतौर पुलिस वह सुराजित हर्ष नाम से फेसबुक पोस्ट लिखा था और लिखा था कि अगर उसके पास पिस्तौल होती तो वह सोनोवाल को गोली मार देता। IPC और IT एक्ट की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। श्रीमती रचना चामेश्वर गहा ने माजी उपाध्यक्ष तथा सभापति अर्थ व बांधकाम समिति जिला परिषद गोंदिया की ओर से जिला तथा सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।